हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कार्स व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद में मेरे व्लॉग्स वगैरह आना शुरू होंगे, वीडियोस आना शुरू होंगे। तो अब से मेरे व्लॉग चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आ ही रहे हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोस भी आएंगे, जिससे आप लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आप लोगों को अच्छा लगता रहेगा, आप और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करते रहेंगे, है ना। क्योंकि आप लोग अभी बीच में छोड़कर चले जाते हो, तो अब आप बीच में बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं जाओगे। देखना अभी मेरा ये जो मतलब अभी जो आप देखने जा रहे हो, ठीक है, आप गारंटी दे रहा हूँ पूरा वीडियो देखोगे और मज़ा आएगा और आप अच्छे कमेंट करोगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट कर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, भूलना तो है ही नहीं, और फॉरवर्ड ज़रूर करना है आगे अपने दोस्तों में और शेयर करते रहना है। तो अभी बहुत लंबा इंट्रो नहीं देते हैं, अभी हम चल के वीडियो देखते हैं, मतलब हम नहीं आप लोग। तो वॉच करिए वीडियो को और आगे फैलाते रहिए, ठीक है, चलिए। भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर शहर, जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से जहां ये शहर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, वहीं इंदौर में कई बड़े बड़े महल हैं। साथ ही इंदौर शहर स्वच्छ भारत अभियान में लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। यह शहर एक औद्योगिक और समृद्ध महानगरीय है और यही कारण है जो इसे मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। इन सभी खासियत के कारण इंदौर शहर हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। तो चलिए डिट्रॉइट ऑफ सेंट्रल इंडिया इंदौर शहर के बारे में कुछ रोचक बातें और फन फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया का कमर्शियल एंड एजुकेशनल राजधानी इंदौर शहर भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसके गठन के इतिहास में वापस जाने पर हमें पता चला है कि राव नंदलाल चौधरी ने शहर की स्थापना की और भगवान इंद्र के नाम पर इसका नाम इंद्रपुर रखा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा नदी पर एक व्यापार बाजार के रूप में इंदौर शहर को स्थापित किया गया था और वहीं इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जहां से ही पहले इंदौर और बाद में इंदौर नाम दिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2011 जनगणना के अनुसार 21,67,447 लोगों की आबादी सिर्फ 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है, जो भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य की कमर्शियल राजधानी के साथ ये शहर न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा के एक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के स्वतंत्र होने के पहले इंदौर मध्य भारत की राजधानी था, जो बाद में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ राज्य की राजधानी भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। 2017 के नॉमिनल GDP के हिसाब से इंदौर की GDP है लगभग 44 करोड़ और वही इंदौर की लिटरेसी रेट है 85.5%। ब्रिटिश काल के समय से ही इंदौर को एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित किया जाता रहा है। यहाँ लगभग 5,000 से अधिक छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं। इतना ही नहीं, भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। आज इंदौर की पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 400 से अधिक इंडस्ट्री है और इनमें 100 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए इंदौर को भारत का डिट्रॉइट कहा जाता है। यही नहीं दोस्तों, इस शहर को मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर एक औद्योगिक और समृद्ध महानगरीय है जो मुंबई के साथ समानता साझा करता है। इंदौर बिजनेस और कमर्शियल राजधानी होने के कारण देश के सबसे तेजी से विकसित करने वाले शहरों में से एक होने के बावजूद भी इंदौर देश में सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर में कपड़ा उत्पादन और व्यापार इंडियन इकोनॉमी में बहुत समय से योगदान देता रहा है, इसीलिए इंदौर शहर को सिटी ऑफ कॉटन मिल्स नाम से संबोधित किया जाता है। और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा दवा बाजार भी इंदौर में है, यहाँ पर होलसेल मेडिसिन मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंदौर शहर में कई सारे बिजनेस की स्टार्टअप हुआ है, जैसे कि रेडियो मिर्ची 98.3 FM, जो अभी ऑल ओवर इंडिया में सुनने को मिलता है, जिसकी शुरुआत इंदौर शहर से ही हुआ था। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट वीडियो ब्रॉडकास्टिंग भी मध्य प्रदेश की इंदौर शहर से ही शुरू हुआ था। औद्योगिक शहर होने के साथ साथ इंदौर शिक्षा का भी केंद्र बन के उभरा है। यह भारत का एकमात्र शहर है जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों ही यहां स्थापित है। भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट एटॉमिक सेंटर में से राजा रमन सेंटर ऑफ एटॉमिक टेक्नोलॉजी इंदौर शहर में ही स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों को सिलेक्टेड किया गया है, जिनमें से इंदौर भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जाएगा।
इनमें से बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक टॉयलेट्स, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल, मल्टीपल कार पार्किंग जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। देश में सारे शहर को पीछे छोड़ के स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर शहर लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है, जो इंदौर के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है और सभी देशवासियों को इसे फॉलो करना चाहिए। इंदौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल यूनाइटेड नेशन द्वारा स्वीकृत है और ऑर्गेनिक कचरे से ईंधन बनाने वाले साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट इंदौर में ही है। यहाँ 550 टन प्रतिदिन कचरे से बायो कंप्रेस्ड गैस बनाता है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन कुछ ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर जाकर मन अपने आप ही शांत होता है। ये मंदिर न सिर्फ अध्यात्म का प्रतीक होते हैं, बल्कि अपनी स्थापत्य काल, आर्किटेक्चर, बनावट और खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। हर एक मंदिर पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ऐसे ही देश भर में कई मशहूर मंदिर हैं जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर अहिल्या नगरी में यानी इंदौर में भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के कांच मंदिर की। दरअसल इंदौर का कांच मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फेमस है। इस मंदिर का पूरा इंटीरियर कांच से किया गया है, यानी छत से लेकर खंभे, दरवाजे, खिड़कियां, झूमर, सब कुछ कांच का बना हुआ है। और एशिया की सबसे विशाल भगवान गणेश की मूर्ति भी इंदौर में ही है। और पूरे इंडिया में ये इकलौता ऐसा शहर है जिसके 100 किलोमीटर के अंदर हिंदुओं का पवित्र स्थान मौजूद है, उज्जैन और ओमकारेश्वर। इसके साथ इंदौर इंडिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज का घर है। इनमें से सलमान खान, लता मंगेशकर, राहुल द्रविड़ और भी कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम शामिल है जो इसी शहर में जन्म लिया है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा कॉलोनी इंदौर शहर में है, जिसका नाम है सुदामा नगर। ये इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कॉलोनी है कि ये कहा जाता है कि यहाँ प्रॉपर एड्रेस के बिना जाने का मतलब है रेत के अंदर पानी का खोज करना। इसलिए इस कॉलोनी के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई गई है। अगर इंदौर शहर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ देखा जाए तो साल 2005 तक इंदौर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मामले में बहुत ही पीछे था, लेकिन उसके बाद इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की शुरुआत की, जो भारत में सबसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कही जा सकती है। आपको इस शहर की सड़कें बहुत ही साफ सुथरे और वाइड देखने में मिलेगा। इसके अलावा इंदौर शहर रेल और एयरलाइन से भी कनेक्टेड है। चाहे आप देश में कहीं भी रहते हो, इंदौर शहर में आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और दोस्तों, बहुत जल्द ही इंदौर शहर को मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 33.53 किलोमीटर मेट्रो लाइन के साथ 29 स्टेशन पर काम चल रही है। दोस्तों, खान पान के मामले में इंदौर अपने विशिष्ट खान पान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पोहा, जलेबी, चाट, कचौरी, गरारू, भुट्टे का कीस, सेम परमल और साबूदाना खिचड़ी स्वाद में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसीलिए लोग इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा इंदौर बास्केटबॉल के लिए भी एक पारंपरिक केंद्र है और ये भारत का पहला नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी का घर भी है। इंदौर शहर घूमने के लिए कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लालबाग पैलेस, रागवाड़ा पैलेस, केंद्रीय संग्रहालय, मयंक ब्लू वाटर पार्क, पाताल पानी झरना और अन्नपूर्णा मंदिर शामिल है, जहां आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के चुनिंदा खास शहर में शामिल इंदौर शहर मराठी, गुजराती, सिंधी, मुस्लिम जैसे विभिन्न जातीय समूहों के लोगों का शहर है, जहां इंदौर के लोग अपने आप को इंदौरी कहते हैं। देश के सबसे आकर्षक शहर होने के नाते इंदौर की गिनती सबसे दिलचस्प शहरों में होती है। इन सभी खासियत के कारण इंदौर शहर हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।